तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पॉलीप्लेक्स के स्टॉक के बारे में। पॉलीप्लेक्स के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार के लिए डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको स्टॉक में लोअर लो लोअर हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंटली स्टॉक ने यहाँ पर रिकवर करने की भी कोशिश की थी लेकिन यहाँ पर स्टॉक अगेन यहाँ पर अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और हमको स्टॉक में लगातार गिरावट ही देखने को मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 1.02% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अगर स्टॉक में ये गिरावट कंटिन्यू रहती है तो यहाँ से भी और गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 833 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक ने इसको ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी गिरावट एक हैवी सेलिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 762 देन यहाँ से हमको स्टॉक में 696 और 659 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। वही यहाँ से अब अगर स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से अब रिकवरी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 900 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक ने इसको ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में 967 और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेजी एक बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 1100 देन यहाँ से हमको स्टॉक है 1241 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में 1300 और 1450 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। धन्यवाद।